स्टूडेंट्स, पहले जो मैंने तीन क्लास में आपको बताया, जो कि मेंडलिज्म के बारे में बताया, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एलीलिक जीन इंटरेक्शन के ऊपर, अर्थात डोमिनेंट व प्रभावी लक्षण, जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, जब एक यहाँ आप देख रहे हैं जो ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है, ए आर ए, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो हमें एक ही बिंदु पर स्थित है, तो उसे हम लोग कहते हैं एलील। और इस जो मेंडलिज्म जो बेस करके था, वो एलीलिक जीन इंटरेक्शन के ऊपर बेस करके था। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो नॉन एलीलिक क्यों कह रहे हैं ना, यहाँ जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है जिसमें एक ही बिंदु पर ए आर ए, ये दोनों जो लक्षण है ये स्थित था, यहाँ जो है ये दोनों का अवस्थान अलग अलग है। यहाँ कैपिटल सी देख रहा है जो कि पिगमेंटेशन और बॉर्डनों के लिए उत्तरदायी है, यह मानो ए जो कि एल्बिनो के जो है उसके रिसेसिव लक्षण है, यहाँ जो है ये एल्बिनो के हैं, ये भी रिसेसिव गुण है, क्यों ना ये जो पिगमेंटेशन के लिए जो कलर जो होना था ये इसके ऊपर डोमिनेट करते हैं और ये इनकी रिसेसिव गुण है। तो यहाँ जो है सभी का स्थान जो है ये अलग अलग जगह है, लेकिन यह जो पिगमेंटेशन के लिए उत्तरदायी जो जीन है ये इसके ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस मतलब क्या है ना, ये नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन है जहां की होमोलोगस गुणसूत्र के अलग अलग स्थान पर जीन अवस्थान करते हैं, और जो जीन दो जीन के बीच में जो जीन दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। एपी मतलब है ऊपर, जो अवस्थान का एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और जिसके प्रभाव को संदर्भित किया जाता है उसे हम कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। तो एपिस्टेसिस होता है उसे कहते हैं जो एपिस्टेटिक जीन जो प्रभावी होते हैं, इस प्रकार जो फेनोमेनन है उसे कहते हैं एपिस्टेसिस, अर्थात एपिस्टेटिक जीन द्वारा प्रभावित होना, इस फेनोमेनन को एपिस्टेसिस कहते हैं। और जो संदर्भित रहते हैं उसे कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन, और उनके जो प्रभाव उसे कहते हैं हाइपोस्टेसिस कहते हैं। तो एक एग्जांपल ग्रुप में यदि हम लोग यहाँ ले, तो यहाँ पेरेंट्स है ये सी सी, ये हम लोग जो है ये हम लोग माउस की लेबोरेटरी माउस है उनके ऊपर करते हैं, क्योंकि उनके जो कोट कलर है, वो कोट कलर की जो फ्यूर है इसकी कलर जो है उसके पिगमेंटेशन जो है ये इस जीन के लिए ऊपर निर्भर करते हैं। और ये जीन एल्बिनो मतलब जिसमें पिगमेंटेशन के लिए कोई जीन नहीं होगा या रिसेसिव अवस्था में रहेंगे, तो उसमें क्या वो एल्बिनो प्रतीत होगा, अर्थात एल्बिनो माउस कहलाएगा। तो इसीलिए ये जो कलर है जो कि सी सी ए, तो और यहाँ जो इनके साथ किससे क्रॉस कराया जा रहा है ना, एल्बिनो के साथ। पहले यहां से जो गैमेट्स बनेंगे वो सी और ए, यहां से जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल सी स्मॉल सी, किस लिए है ना, एक पिगमेंटेशन के लिए उत्तरदायी है। एफॉर्म जनरेशन में जब इन्होंने दोनों गैमेट्स के मिलन होगा जायगोट बनेगा, तो वहां जो है कैपिटल सी और कैपिटल ई, यहां दिख रहा है सी सी और ए, ये अगौटी कलर उत्पन्न करेंगे जो कि मॉटल्ड कलर है, मॉटल्ड मतलब मिक्स कलर, एक अगौटी कलर उत्पन्न करते हैं। जब ये है एफॉर्म जनरेशन के रिजल्ट से, यदि सभी जो माउस होंगे सभी माउस कैसे होंगे ना, अगौटी कलर के होंगे। जब ये हम लोग एफ टू जनरेशन की बात करें, तो एफ टू जनरेशन में हमें कैसा मिलेगा ना, वहां जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा और इनके अंदर जब यदि हम लोग सेल क्रॉस कराते हैं, अर्थात अगौटी के साथ अगौटी को क्रॉस कराते हैं तो मेल में चार प्रकार के गैमेट्स होंगे, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स फीमेल में भी होंगे, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए, और स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल सी स्मॉल ए। फिर हम लोग इसको मिलान करें, जैसे हम लोग मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में दिखाए थे, इसी प्रकार उसको मिलान करते हैं, तो इस प्रकार इनके साथ इनके, इनके साथ इनके, इनके साथ इनके, फिर इनको लेंगे, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो यहां देखा गया सभी में कैपिटल सी और कैपिटल ए है, इसलिए क्या होता है सभी में मॉटल कलर यानी अगौटी कलर उत्पन्न हुआ है।
इसी प्रकार सेकंड स्टेप का जल्दी देखें, कैपिटल सी स्मॉल ए के साथ जो कैपिटल सी कैपिटल ए करे तो हमें ए इस प्रकार मिलान होगा। जैसे कि हम लोग देखें इसके साथ इसको मिलान करेंगे पहले, फिर इसके साथ इसको मिलान करेंगे, फिर इसके साथ इसको मिलान करेंगे, इसके साथ इसको मिलान करेंगे। इससे क्या होगा ना, यहाँ हम लोग देखते हैं अगोटी कलर उत्पन्न हुआ और कालाड उत्पन्न हुआ, अगोटी कलर उत्पन्न हुआ और कालाड उत्पन्न हुआ। अर्थात कैपिटल सी और कैपिटल ए जब भी एक साथ रहेंगे तो उसमें क्या होगा ना, दोनों मॉटल कलर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइदर यदि हम देखते हैं यदि कैपिटल सी हो या स्मॉल ए हो तो उस समय हम देखेंगे कलर मॉप्स उत्पन्न होंगे, और यदि हम देखें जो कैपिटल ए, जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल सी हो तो हर केस में एल्बिनो होंगे, क्योंकि कैपिटल सी जो है ये कैपिटल ए के जो लक्षण है उनको अधिक प्रभावी नहीं करके मिक्स कलर दे रहा है, जबकि कैपिटल सी के साथ जैसे ही स्मॉल आएगा ए आएगा तो इस समय कलर उत्पन्न होगा। और कैपिटल ए जब भी डोमिनेट अर्थात सी के ऊपर डोमिनेट करेंगे तो उसमें भी एल्बिनो होगा, और सी और ए दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स है इसलिए दोनों जब मिल जाएंगे एक साथ तब भी एल्बिनो उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार हम लोग चेकर बोर्ड बनाए, चेकर बोर्ड के भी हम यदि काउंट करें तो टोटल अगोटी के संख्या कितना है, क्योंकि ये फेनोटाइपिक रेशियो है, तो हम देखेंगे क्या ना अगोटी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगोटी कलर यानी मॉटल कलर के माउस उत्पन्न होंगे। और यदि हम लोग कलर देखें तो कलर होंगे 1, 2 और 3 कलर माउस उत्पन्न होंगे, और एल्बिनो जो माउस है वो 4 उत्पन्न होंगे। अर्थात यहां अनुपात हुआ 9:3:4। जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जब एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हम लोग देखे थे तो फेनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3:3:1, ये होता है फेनोटाइपिक रेशियो। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेके हम लोग क्रॉस कराते हैं तो मेंडल के अनुसार यहाँ 9:3:3:1 होता होना था फेनोटाइपिक, जबकि नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में ये एलिलिक जीन इंटरेक्शन में ये उत्पन्न होना था, जबकि नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में ये जो फेनोटाइपिक अनुपात है ये है 9:3:4। ये इसलिए हुआ क्योंकि एपिस्टेसिस के कारण हुआ, और ये जो यहाँ जो जीन इंटरेक्शन है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, यहाँ दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम पर जीन है वो अलग अलग स्थान पे है, लेकिन जो डोमिनेंट जीन है वो जो रिसेसिव है उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, और इसीलिए उसे कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, और जो संदमित रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग हाइपोस्टेटिक जीन। और हाइपोस्टेटिक जीन और जो डोमिनेंट जो जीन है एपिस्टेटिक जीन है कभी दोनों मिलके मिक्स्ड कैरेक्टर्स उत्पन्न कर सकते हैं, एक दूसरे पे कॉमन रूप से मिलकर कर सकते हैं। ये हुआ मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के कंपैरिजन में, यह है एपिस्टेसिस। मेंडल के अनुसार 9:3:1 फेनोटाइपिक अनुपात मिलता था, लेकिन यहाँ मेंडल के अनुपात को एक कंट्रास्ट किया और यहाँ उत्पन्न हुआ 9:3:4। यह है एपिस्टेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा।